Now start. Today we are learn about departmental accounts. Clear? So we are learning after this chapter, number one, allocation, common expenditure of the organization among various departments on appropriate basis. Okay. Second, the deal with the interdepartmental transfer and their accounting treatment. And third, calculate the amount of unreleased profit on unsold interdepartmental stock in hand. ठीक है, हमारे पास देखना है कि जो प्रॉफिट अनरिलीज्ड है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जिसको हमने लिया नहीं है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और साथ में अनसोल्ड इंटर डिपार्टमेंटल स्टॉक, जो स्टॉक इन हैंड है, उसको किस तरह से एंड एंड ऑफ द ईयर, हम उसको अकाउंटिंग ईयर में किस तरह से काउंट करेंगे. ओके, ओवरऑल अपन चैप्टर रिव्यू देख रहे हैं. नंबर वन, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट. टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट में हम देखें कि कितने तरह के डिपार्टमेंट हमारे पास होते हैं. हम इस तरह का एक ट्री मेक करते हैं. सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट में यहाँ पर पे आप देखेंगे, डिपार्टमेंट हो गया, ये हो गया इंटर डिपार्टमेंट. एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा एक इंडिपेंडेंट होगा. ये हमारे पास दो है. ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है. इनको कई तरह की उन्होंने बेनिफिट दिए होंगे, तो पूरी तरह से एक डिपार्टमेंटल ही स्टोर के अंदर. अब देखते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो 100% डिपेंडेंट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह स्वतंत्र है, दूसरा इसके ऊपर ही आश्रित है. ओके, अब डिपेंडेंट में देखते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज ट्रांसफर होगी वो किस तरह से होगी, ये देखेंगे अपन की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. ठीक है, कुछ भी सामान होगा इसमें, ये क्या करेंगे, किस तरह से एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे. क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट में अपन देखते हैं कि वर्क इंडिपेंडेंटली हैव नेग्लिजिबल ट्रांसफर्स. अगर कुछ जरूरत होती है तभी वो ट्रांसफर करेंगे, बहुत ही रेयर. अदरवाइज इनके पास सब कुछ इंटर ट्रांसफर होता है यहाँ पर पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, यहाँ इनको बहुत ज्यादा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये खुद ही सेल्फ मेड होते हैं और खुद इस तरह से वर्क करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इनके बीच में जो बेसिस होता है एलोकेशन का, बंटवारे का तरीका, ठीक है ना, वो कॉमन कॉमन एक्सपेंडिचर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल की जो हमारे पास लाइट के चार्जेस होंगे, या कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे, या मशीनरी, या वहाँ के मैनेजर्स का, या जो छोटे वर्कर्स होते हैं, या फिर कहना चाहिए कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी, उनका जो हमारे यहाँ पर पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्योंकि वो सभी डिपार्टमेंट में जाकर के साफ सफाई करेंगे, तो ओवरऑल या पूरे डिपार्टमेंट में एक साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम होगा. इनका बेसिस क्या होता है एलोकेशंस का, उस बेसिस के लिए यहाँ पर देखिए दो पार्ट में दिया है. एक्सपेंसेस इंक्लूड स्पेशली फॉर ईच डिपार्टमेंट आर चार्ज. चाहे तो हम अलग से इसको चार्ज कर सकते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम उनको सेपरेटली अपन यहाँ पर पे चार्ज कर सकते हैं. दूसरा होता है कॉमन कॉमन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस. ठीक है, यहाँ पर पे हम उनकी सुटेबिलिटी के बेस पर पे देखते हैं, उस तरह से हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे उनको कॉमन एक्सपेंसेस. जितने भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके डिपेंडेंट ऑन सुटेबल बेसिस पे होगा. नाउ फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. एक ये होता है हमारे पास इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. ठीक है, इसमें हम देखते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. जो हमारे पास इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसको हम एक नए तरीके से लेंगे. फिर यहाँ पर पे हम देखिए, एक आता है कॉस्ट. फर्स्ट होगा कॉस्ट बेसिस पे, सेकेंड मार्केट प्राइस पे, थर्ड होता है कॉस्ट प्लस एग्रीड
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जितना भी परसेंटेज वो प्रॉफिट का एग्री कर रहे हैं प्लस कॉस्ट के साथ। ओके फिर आप देखिए कॉस्ट में भी क्या होगा, नो अनरियलाइज प्रॉफिट एग्जिस्ट, कोई प्रॉफिट नहीं, जो कॉस्ट है एज इट इज कॉस्ट पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर पे इसमें मार्केट प्राइस पे देखिए दो पार्ट बने हमने, यहाँ पे दो ट्री इस तरह से बनाई हुई है। नंबर वन, इफ कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा है एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन है इफ कॉस्ट लेस देन मार्केट प्राइस, ये देखिए लेस देन का यहाँ पर साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। इस बेसिस पे अगर हम जब इस वाले कंडीशन पे जाते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन आएगी, नो अनरिलीज प्रॉफिट अनरिलाइज प्रॉफिट एग्जिस्ट। इनकेस अगर यहाँ पर पे कि मार्केट प्राइस ग्रेटर देन, यहाँ पे बड़ा है अगर मार्केट प्राइस इससे ज्यादा हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ अनरिलाइज प्रॉफिट थ्रू, अब यहाँ पर फिर दो तरीके फिर बांट दिए, इन्वेंट्री, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर फिर प्रॉफिट और दूसरा होगा एक जस्ट मिनट, ये देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा इन्वेंट्री बेसिस पे होगा ना। कुछ आज हम बेसिक देख लें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बिजनेस, जब भी हम बिजनेस को इंट्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर पे, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, इफ बिजनेस कंसर्न और सेवरल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज और इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंटल फॉर फॉर कैरिंग ऑन सेपरेट फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और कुछ सेपरेट फंक्शंस भी होते हैं। फॉर मैनेजमेंट इज यूजली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट ऑफ द वर्किंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट टू असर्टेन देयर अल्टरनेटिव एक्टिव एफिशिएंसी, जितनी भी एफिशिएंसीज होगी डिपार्टमेंटल अकाउंट में, हम देखते हैं कि उसको हर तरह से हम इंफॉर्म करेंगे और जितना भी इंफॉर्मेशन है हमको उसको बिजनेस में किस तरह से इंटीग्रेटेड करना है, ये हमारे पास बात है, और हमारे पास किस तरह एफिशिएंसी होगी इफेक्टिवली हम उसको इन्वॉल्व कर पाएंगे। ओके तो यहाँ पर पे हेल्पफुल होता है हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर, ब्रांच से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पे क्या हो रहा है, वो इसके एक तो डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं पहली चीज से टाइप्स ऑफ वेस्टेज, किस तरह के वेस्टेज हैं, उन वेस्टेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ऑफ मनी, ठीक है, और ऑफ मनी, या तो वेस्टेज किसी दूसरे रूप में होगा, ओवरऑल मनी का ही वेस्टेज है। तो हम यहाँ पर भी इस तरह की एक कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि हमारे पास किस तरह की वेस्टेज हो रही, उसके बेस पे हम करते हैं क्या, मे बी उसको डिवाइडेड कर देते हैं इन यूनिट वाइज पे, वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट और यूनिट, ठीक है ना। हम या तो डिपार्टमेंटल वाइज पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे उसको बिजनेस लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर पे हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट के, नंबर वन एवलेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, हम परफॉर्मेंस का एवलेशन करते हैं। सबसे पहली चीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी डिपार्टमेंटल में, क्योंकि एक ही छत के नीचे हम बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इवेल्युएट करने के लिए सेपरेटली एक ट्रेडिंग रिजल्ट होता है, इसका बेसिस क्या होता है, ट्रेडिंग रिजल्ट्स होते हैं, जिसके बेस पे हम ईच डिपार्टमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है या वो डिपार्टमेंट कितना ग्रोथ कर रहा है। ओके तो यहाँ पर पे हम दिखाते हैं कि कितनी किसी भी डिपार्टमेंट की हम सेल को पुशअप कर सकते हैं, यहाँ पर पे पुशअप किया जा सकता है सेल को, डिपार्टमेंट विच इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, हम उसके प्रॉफिट को बढ़ाना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर पे हमको क्या करना होगा कि हम उसकी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या करा, सेल कर सकते हैं, सेल को अपग्रेड कर सकते हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमारे पास परफॉर्मेंस किया जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट या ईच डिपार्टमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है,
किसी भी डिपार्टमेंट की, तो हम देखते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को हम यहाँ पर पे कंपेयर करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ कंपेयर टू अदर कैन बी इवेल्युएटेड। ठीक है, मतलब ए डिपार्टमेंट आपके पास हो सकता है, बी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो हम इनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं और ये इस तरह से कंपेयर हो सकता है यहाँ पर भी, ए और बी इक्वल है और सी जो है बी से मैक्सिमम, मतलब इसके पास प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर भी ए और बी का प्रॉफिट कम है, ये दोनों प्रॉफिट जो है सी से कम अर्न कर पा रहे हैं, यहाँ पे सी का प्रॉफिट ज्यादा है, इस तरह की हम ग्रोथ पोटेंशियल को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट है जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। कैपिटल के बारे में हम यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन हमारे पास मैनेजमेंट जो है डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट को वो कैपिटल देना चाहता है तो कितनी कैपिटल लगाएगा, किसमें से उसको ज्यादा प्रॉफिट है। यहाँ पर पे हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल की ए और बी में क्या होगी, एक जैसी कैपिटल लगाई जाएगी, हो सकता है इसमें वो 10 लाख रुपए ही लगा रहे हो या हो सकता है कि 10,000 रुपीज ही लगा रहे। सी में लेकिन अगर कैपिटल लगाने की बात आएगी तो वो हो सकता है कि 1 लाख रुपीज भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस होगा कि इस वाले में ज्यादा पोटेंशियल है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सी वाले में हम सबसे ज्यादा कैपिटल लगाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। दोज एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके स्टॉक बेसिस पे भी कर सकते हैं कि किसका स्टॉक ज्यादा खत्म हो रहा है और किसका स्टॉक बहुत कम खत्म हो रहा है, किसके पास बच रहा है, इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लानिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर पे सेपरेट कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उसके पास अवेलेबिलिटी है कि हम किसी भी एक डिपार्टमेंटल की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फॉर ईच डिपार्टमेंट फैसिलिटी बेटर कंट्रोल। किसी एक डिपार्टमेंट को अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास एक प्लानिंग होगी, उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर पे हम एफिशिएंसी के बारे में, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि ए इज इक्वल टू बी और लेस देन सी, ठीक है ना, यहाँ पर पे क्या हो रहा है कि ए और बी जो है एक एक जैसे यूनिट है, मतलब इनके पास जो प्रॉफिट उतना नहीं हो पा रहा है। प्लानिंग क्या करना पड़ेगी कि इन दोनों ही बिजनेस को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जब तक ये दोनों बिजनेस हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली हमको लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा कि हम सी से तो बहुत ज्यादा अर्निंग देख रहे हैं, तो उस अर्निंग को यहाँ पर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास सी की अर्निंग सबसे ज्यादा है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और बी को और ए को बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब हमारे पास एक प्लानिंग आएगी कि नेक्स्ट प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन यूजली डिवाइडेड इन द वर्क इन वेरियस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को कैसे बढ़ाएं, या हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर के लिए एक तरीका हो सकता है कि पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कि किस डिपार्टमेंट को कितने लेबर दिए जाए, किसमें से अर्निंग ज्यादा उसकी तरफ ज्यादा फोकस किया जाए या कम अर्निंग है, तो हम उसमें किस तरह से एफिशिएंसी कर सकते हैं, किस तरह से एफर्ट डाल सकते हैं कि उसके डिपार्टमेंटल को हम बढ़ाएं, उस डिपार्टमेंटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जो बात होती है हम उसको किस तरह से एवरी ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे काउंट करते हैं, उसको बढ़ाने की बात करते हैं। नाउ वी आर लर्न मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, इसको हमको यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि इसको लर्न करना। देखिए इसमें टू वे दिए गए हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। नंबर वन, देखिए अकाउंट्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली। पहली चीज कि सभी के लिए हम एक ही बुक रख देते हैं, ठीक है, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन बुक। तो यहाँ पर पे एक ही बुक रखने का क्या होगा मेथड, एक तो हमने क्या करा, एक डिपार्टमेंट है एक छत के नीचे वर्क कर रहा, फॉर एग्जांपल कि एक बिग बाजार, आप बिग बाजार में देखते हैं कि वहां पर पे अलग 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 सेगमेंट्स होते हैं, हमको डिपार्टमेंट मान लेते हैं,
ठीक है ना, कहीं पे ग्रोसरी भी मिल रही है और कहीं पे हम देख रहे हैं कि क्लॉथिंग भी है हमारे पास, बहुत सारे वहां पर पे होते हैं, तो हम उसको देखते हैं नेसेसरी फर्स्ट फॉर फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे देखते हैं डिपार्टमेंटल ऑफ द, सेपरेटली हम रिकॉर्ड यहाँ पर पे मेंटेन करते हैं कि हम किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को बनाएं, या फिर एक ही बुक में सभी की इनकम्स हम यहाँ पर पे नोट करते चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके खर्चे पूरे एक जगह हो रहे हैं, तो एक सेपरेट बुक बनाते हैं, देन देन फॉर द टू बी अकाउंटेड अंडर सेपरेट हेड्स, हेड अलग अलग बना देंगे, ठीक है, जबकि अकाउंट कहाँ पे बन रहा है, एक में ही बन रहा है, और हम उनकी केवल बुक्स बनाने की बात करेंगे, तो यहाँ पर पे इस तरह से बुक्स बन जाएगी जिसमें कि हम एक ही बुक में, एक ही रिकॉर्ड में सभी को कैलकुलेट करते जाएंगे, क्लियर। दूसरा हमारे पास एक तरीका होता है सेपरेट सीट्स का, सेपरेट सीट्स में देखते हैं कि सेपरेट सीट्स ऑफ बुक आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, हम एक उनकी बुक्स अलग ही यहाँ पर पे मेंटेन करने की बात करते हैं कि इनकी बुक्स अलग अलग बना देते हैं, इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट इंक्लूडेड कंप्लीटली स्टॉक, अगर अपन अकाउंट देखते हैं तो अकाउंट ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर टू द अदर डिपार्टमेंट और ऑल्सो एज सेल्स, हम क्या करें इसके लिए एक हमने सेपरेट बुक्स बनाई है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास ए बी सी कंपनी, ठीक है, जिनके पास तीन डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, यहाँ पर पे क्या करा एबीसी कंपनी ने, अब सेपरेट बुक एक अकाउंट बनेगा, लेकिन इनके पास ये तीन अकाउंट्स बनाएंगे, डिपार्टमेंट कैप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, बोल रहा ना कैप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट की अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पे इंक्लूडिंग कंप्लीट स्टॉक अकाउंट फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम आर ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट आर सेल्स, यहाँ पर पे क्या हो जाएगा कि इन्होंने अकाउंट बनाया, ए का भी बनाया, बी का भी बनाया, सी का भी बनाया, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनके पास ये कंडीशंस हो जाएगी, तीन तरह के इन्हें अकाउंट्स बनाए, और तीनों को एक तरीके से जो भी रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एक तरह से इनको अलग 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 डिपार्टमेंट को सेल किया जाएगा, जिस तरह से सेल बुक बनाते हैं वैसा कुछ उस तरह से मेंटेन कर लेंगे कि हमने सेपरेट बुक बनाई हुई है, उन पर्टिकुलर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, ठीक है। इनका बेसिस हो सकता है एलोकेशंस का, कॉमन कॉमन हो कॉमन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पे कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इन तीनों को हमने क्या करा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर पे जो स्टॉक्स है वो 900 का स्टॉक्स है, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर पे 300, फिर 300 एंड 300, तीनों डिपार्टमेंट में बांट दिया, कुछ इस तरह से जो तीनों में यूज होने वाली चीज है तीनों डिपार्टमेंट में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है उसका प्रोपोर्शनेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी तरीका हो जाएगा 5:4:3, ठीक है, तो अगर सपोज की कोई कोई गुड्स हमारे पास सपोज की 900 है, 900 इंटू 5/12 एंड 4/12 एंड 3/12, ये 12 कहाँ से आया, क्लियर है, एक्चुअली इन तीनों को अपन टोटल करते हैं यहाँ पे 5+4+3, ठीक है 12, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, रेशियो हो गया हमारे पास 5:4:3, इस रेशियो के बेस पर पे हम यहाँ पर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर सपोज हमारे पास 900 कोई गुड्स आया हुआ है इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारे इस तरह से आप डिवाइड करो 5/12, 4/12 एंड 3/12, ओके। चलिए अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इनमें किस तरह से जो कॉमन एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, पहली चीज है कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपन देखेंगे उनका एक रेशनल बेसिस होगा, प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स अकाउंट्स के बेसिस पे, पहली चीज इंडिविजुअल अगर इंडिविजुअल है एक्सपेंसेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर चार्ज डायरेक्टली थ्रू फॉर इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट का इंश्योरेंस चार्जेस होगा,
स्टॉक के बारे में अपन कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट, फिर कॉमन, ये इंडिविजुअल हो रहा है ठीक है, कुछ इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होंगे जिसमें हो सकता है कहीं कहीं पे हमको इंश्योरेंस के बारे में चार्जेस ज्यादा देना पड़ रहा है, कहीं इंश्योरेंस कम देना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपन बिग बाजार के बारे में ही देख रहे हैं कि उसके डिपार्टमेंट में जिस जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाला पार्ट होगा वहां पर भी इंश्योरेंस सबसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ ग्रोसरी वाला सामान रखा हुआ है वहां पे इंश्योरेंस चार्जेस हमको कम पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए में मोर देन मैक्सिमम, फॉर बी ए में सबसे ज्यादा होगा, बी में कम होगा, सी में और कम हो सकता है। ठीक, अब कॉमन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कॉमन एक्सपेंसेस क्या होंगे? बेनिफिट विच इज द शेयर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट एंड विच आर द कैपेबल फॉर पीसीएस एलोकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंटल कंसर्न ऑन सम इक्विटेबल बेसिस कंसीडर सुटेबल इन द। तो यहां पर भी आप देखोगे कि बांटने का तरीका ऐसा है जो कॉमन बेसिस पे, मैंने इसके पहले भी बताया कि अभी हमारे पास सपोज कि ए बी एंड सी ये तीन डिपार्टमेंट हैं, इनमें किस तरह से कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी होंगे उनको उसको हम क्या करेंगे, इक्वल बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर पे एक एलोकेशन एक्सपेंसेस दिया गया है कि एलोकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। जो एलोकेशन बताया गया है एक्सपेंसेस का, पहली चीज यहाँ पर पे एक हम टेबल बना लेते हैं एक्सपेंसेस और इधर पे बेसिस, इनका बेस क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इसको किस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ईच डिपार्टमेंट इफ गिवन अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, ठीक है। दो तरीके हैं, अभी हमने देखा कि हमारे पास रेंट कितना है, रेट्स कितना है, टैक्सेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बिल्डिंग, ये तीन चार पांच कुछ चीजें हैं। इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बताया कि अगर फ्लोर एरिया है, हो सकता है कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें से, हो सकता है यहाँ पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि ए बी सी, अब ये ए बी सी ने हो सकता है कि ए का जो कारपेट एरिया है वो हो सकता है कि 100 स्क्वायर फीट होगा, बी का कारपेट एरिया 50 स्क्वायर फीट होगा, सी का कारपेट एरिया 25 स्क्वायर फीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल वाला सेल होता है इसलिए इसको बहुत कम एरिया लग रहा है, यहाँ पर पे हम देख रहे हैं कि ये ग्रोसरी वाला पार्ट है, या ए को अपन ग्रोसरी वाला पार्ट मान लेते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पे आपके पास एरिया कवर्ड होगा, और यहाँ पर पे हो सकता है कि सिर्फ क्लॉथिंग का है पार्ट तो इसमें बहुत कम से कम एरिया में इनका वर्क हो जा रहा है। तो इनको हम एलोकेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर पे 100:50:25 और छोटा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर पे, लेकिन इनका रेशियो यही होगा। अगर मान लीजिए कि इनका पास कारपेट एरिया नहीं दिया होगा, ये यहाँ पर पे दिया हुआ है इफ गिवन, यदि गिवन है तब तो हम इस बेसिस पे कर लेंगे, अदरवाइज टाइम बेसिस पे कर लेंगे कि इन्होंने कितना कितना टाइम इसमें कंज्यूम किया, बी ने कितना कंज्यूम किया, सी ने कितना कंज्यूम किया, कितने कितने वर्किंग आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एलोकेशन हमारे पास लाइटिंग हीटिंग एंड लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, मींस एनर्जी, ये कंजम्पशन बेसिस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है उसके बेस पर पे हम यहाँ पे इसका एलोकेशन कर देंगे। जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमने देखा होगा कि घरों पे भी सेपरेट बिल होते हैं, जहाँ पे आप एज ए टेनेंट को हम देखते हैं उनको बोल देते हैं कि भाई सेपरेट बिल है, मतलब कि लाइटिंग के लिए हीटिंग के लिए जो एनर्जी बेस है वो हम उनके डिपेंड करते हैं कंज्यूमर कंजम्पशन के ऊपर, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये 100 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है और हो सकता है कि उसका जो रेंट आ रहा है ये हो सकता है कि 500 रुपीज पर मंथ आ रहा है, डिपार्टमेंट बी का 400 आ रहा है, डिपार्टमेंट सी का 100 रुपीज आ रहा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन इनको सेपरेट करोगे डिपेंडेंट ऑन बेसिस ऑन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जिस बेस पर पे इनकी कंजम्पशन हो रहा है उस बेस पर पे हम यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, बैड डेब्ट्स, सेलिंग कमीशन, फ्राइट फ्राइट आउटवर्ड्स, ट्रेवलिंग सेल्स मैनेजर सैलरी एंड अदर अदर कॉस्ट।
इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बेसिस ऑन सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है। यहाँ पर पे अगर हमारे पास तीन कंपनियां हैं ए बी सी, तो हम देखेंगे कि इनका खर्च करने का तरीका किस तरह से, कैसे कैसे वहां पर पे सेल हो रही है, इसकी सेल ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पर पे सेलिंग एक्सपेंसेस उसी बेसिस पे करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, इनको लॉस हो जाएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस क्या हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये किस बेसिस पे होंगे? कैरेज इनवर्ट्स, परचेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हम देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में कितना परचेस किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर पे वर्क करना होगा। परचेसिंग के बेसिस पे हम यहाँ पर पे वर्क करेंगे कि उनके पास कितनी परचेसिंग हो रही है, उस बेसिस पे हम यहाँ पर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज, मतलब मजदूरी, वेतन या वेतन मजदूरी कुछ भी इस तरह से आप देख सकते हो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसने कितना टाइम दिया वर्कर्स ने, हम उसके बेसिस पे यहाँ पर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। हम देख ही रहे हैं यहाँ पर पे, आप देख रहे हो ना कि एक्सपेंसेस और बेसिस, जो एक्सपेंसेस हैं उनको किस बेस पर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट। हम यहाँ पर पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो सैलरी है या वेजेस है वो किस बेसिस पे हम देखेंगे, उनके टाइम बेसिस पे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स, जो कैपिटल एसेट्स है उसका मेंटेनेंस करना, डेप्रिसिएशन लगाना, इंश्योरेंस लगाना, रिपेयर लगाना, ये किस पे होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स टू ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर क्या होगा, अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। हम जो डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। एक तो होता है टाइम बेसिस पे, या फिर हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर फॉर एग्जांपल कि इन्होंने डेप्रिसिएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो किसी मशीनरी पे आप देखते हो 10% पर 10% 10% पर एनम लिखा मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर एनम। दूसरा हो सकता है कि किसी मशीनरी के ऊपर आपको 5% भी देखने को मिले पर एनम, किसी पे 2% भी हो सकता है। सपोज अगर यहाँ पर पे आपको परसेंटेज नहीं दिया होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन वगैरह को टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस हो सकता है 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, ये हम टाइम पे बेसिस पे यहाँ पर पे इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस। हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बात करते हैं, अदर एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, फॉर जस्ट एग्जांपल सैलरीज ऑफ मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स डायरेक्टर सैलरी और कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये जितने भी तरह के इस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको किस बेसिस में, बेस क्या होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, टाइम बेसिस आर इक्वल अमंग द ऑल डिपार्टमेंट। हम यहाँ पर पे या तो टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर इक्वली डिपार्टमेंट के बेसिस पे हम देखेंगे कि हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पे बिग बाजार के तीन डिपार्टमेंट है, आपको देखा है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने ए बी सी, ठीक है, ए में ग्रोसरी है, बी में क्लॉथिंग है और सी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन, अब एडवर्टीजमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है 10,000 या इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, सपोज कि उनका ईयरली यहाँ पे हम देखते हैं कि 9,000 रुपीज फॉर एडवर्टीजमेंट। तो 9,000 को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करें, इक्वली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3, मींस 3,000 फॉर ईच डिपार्टमेंट की बात हो जाए, ठीक है ना। ये जो हो गया ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी 3,000 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेबर वेलफेयर के बारे में। लेबर वेलफेयर भी होगा ईच डिपार्टमेंट पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने वर्क कर रहे हैं, हम उसके बेसिस पे यहां पर पे देखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे
फिर एक हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे, पीएफ, ईएसआई कंट्रीब्यूशंस, जितना भी इस तरह का कंट्रीब्यूशन होगा। वेजेस एंड सैलरी बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सैलरी ईच डिपार्टमेंट के, हम वेजेस और सैलरी बेस पे प्रोविडेंट फंड होगा, ये इस तरह के कंट्रीब्यूशंस जो होते हैं उनको हम इस तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके इसके अलावा कुछ और भी प्रॉफिट एंड लॉसेस बेसिस हम देखते हैं कि सुटेबल हमारे पास क्या होगा। कैन नॉट बी अप्रोप्राइटेड एंड सुटेबल बेसिस देयर फॉर द रिकॉग्नाइज इन द कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कुछ चीज़ें और भी हैं, नोट लगा करके रखा होगा, इस तरह का भी कुछ वर्क होता है ओवरऑल। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हमने पहले एक शुरू में एग्जांपल में देख लिया था एक ट्री बना करके। सबसे पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होगा, दूसरा होगा डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है ना, दो तरह के आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। जो डिपेंडेंट है वर्क इंडिपेंडेंटली करते हैं, इनका जो वर्क होता है इंडिपेंडेंटली होता है, फॉर ईच अदर एंड हैव निग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एंड कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉरी इंटर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इनको हम इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि इनका सभी डिपार्टमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं है, इनको पूरी तरह से छूट दी गई, तो इसलिए इंडिपेंडेंट। जैसे आपने ब्रांच भी देखा था इंडिपेंडेंट, उसी तरह से हम यहाँ पे डिपार्टमेंटल में भी देखें। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो एक डिपार्टमेंट से प्रोसेस होकर के सेकेंड डिपार्टमेंट में जाएगी, फर्दर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट विच ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, ओके, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डिपार्टमेंट डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको क्या कॉल करेंगे अपन, किस नाम से पुकारेंगे, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट के नाम से। किस तरह से, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई गुड्स को हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम क्या होगा, कई पार्ट से उसको उस डिपार्टमेंट से गुजरेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक बल्ब बना रहे हैं तो बल्ब क्या होगा, पहले यहाँ पर पे आएगा डिपार्टमेंट ए, देन डिपार्टमेंट बी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये आएगा डिपार्टमेंट सी, फाइनल यहाँ पर पे ये सेल डिपार्टमेंट होगा। सेल डिपार्टमेंट में आकर के हम इस तरह से सेल करने की बात करेंगे, जहां से सेल होगा। तो हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट हमारे पास एबीसी, तीन डिपार्टमेंट से कोई भी चीज पास आउट होगी उनको हम बोलेंगे डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि क्यों, अगर अगर यहां पर पे वर्क हो रहा है, सिर्फ ए डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, तो ए डिपार्टमेंट सब कुछ तो कर नहीं पाएगा, मतलब तो सेल तो नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा, बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, और फिर फाइनली सेल डिपार्टमेंट के पास जाएगा जो कि इसको सेल करेगा। तो तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वो किस तरह से होंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, गुड्स को हम ट्रांसफर करते हैं, सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं डिपार्टमेंटल अनदर, द कॉस्ट शुड बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड चार्जेस एंड द डिपार्टमेंटल बेनिफिशरी, इसको एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इससे पहले मैंने आपको शुरू में भी एक जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे बताया था ना, इंटर डिपार्टमेंटल के लिए जब ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक तरीका हो सकता है डिस्क्लोज करने का, उनके डिपार्टमेंटल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, लॉस अकाउंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। यहाँ पे बेसिस आप देख सकते हो कि किस बेसिस पर पे इनको इंटर ट्रांसफर करेंगे। जो गुड्स है, एक तो होगा कॉस्ट प्राइस पे, करेंट मार्केट प्राइस पे, थर्ड हो जाएगा कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तीन चीजें, कॉस्ट प्राइस हो सकता है कि 100 रुपए का 100 रुपए पे ही ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरा हमारे पास करेंट मार्केट प्राइस हो सकता है कि 120 रुपीज इस पे कर दिया, यहाँ पर पे एग्रीड परसेंटेज हम ले सकते हैं कि 100 रुपीज प्लस 30%
ये होगा हमारे पास 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बेस पे। तो ये एक तरीका हो गया, 100 इसका 30%, 130 हो जाएगी इसकी कॉस्ट इस तरह से। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो हम यहाँ पर पे एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बेसिस पे भी हो सकता है, व्हेन प्रॉफिट एडेड इन द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर द लोडिंग इंक्लूड इन द अनसोल्ड इन्वेंट्री, ठीक है, अनसोल्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, टू बी एक्सक्लूडेड बिफोर द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर सो एज टू एलिमिनेशन एलिमिनेटी एंड एलिमिनेशन एनी आर्टिकल्स, या उसमें हम प्रॉफिट को ऐड करके कर देंगे, बहुत ही सिंपल ही अगर अपन देख रहे हैं। चलिए स्टॉक रिजर्व का एक फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर पे हमारे पास स्टॉक रिजर्व का एक फार्मूला दिया गया है, स्टॉक रिजर्व ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इनटू प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर प्राइस डिवाइड बाय ट्रांसफर प्राइस, ये एक आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। अभी हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। जनरल एंट्रीज में कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जब स्टॉक के बारे में हम कैलकुलेट कर लेंगे। खैर ये सब जनरलाइज वगैरह हम छोड़ते हैं, डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट में किस तरह से लेकर के जाएंगे उसके बारे में देखेंगे, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मेथड्स भी देखेंगे यहाँ पर पे, किस तरह से हमको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम किस तरह से मार्कअप करेंगे लोडिंग बेसिस पे। नॉर्मल नॉर्मल सेलिंग होगी हमारे पास, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट के बारे में देखेंगे, अमाउंट ऑफ मार्कअप देखेंगे। तो यहाँ पर पे हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट प्राइस पे है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ होगी, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्लस मार्कअप प्राइस पे, रिडक्शन मार्कडाउन प्राइस पे, ये दो तीन पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पे हम इसको आगे वर्क करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू, क्या हुआ यहाँ पर पे, डिपार्टमेंट पी ने क्या करा, क्यू को ट्रांसफर किया, ठीक है, एट अ प्राइस 50% एवब कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जो थी उससे 50% एवब है, इफ क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट क्यू इज 27,000, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कितना है इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर पे कोई अकाउंट नहीं बना रहे हम, सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटा सा क्वेश्चन है कि आपकी स्टॉक उस क्यू डिपार्टमेंट का हमको स्टॉक कैलकुलेट करना है उसकी प्राइस के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है डिपार्टमेंट क्यू में, 27,000, क्लियर। गुड सेंट बाय डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एट प्राइस 50% एवब कॉस्ट, 50% एवब कॉस्ट है, क्लियर। तो हम इस बेसिस पे देखते हैं कि जो 50% एवब है मतलब कि किस तरह से पहले से ही उन्होंने 50% बढ़ा दिया, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हैंस प्रॉफिट टू डिपार्टमेंट पी इंक्लूड इन द स्टॉक विल बी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, 27,000 इंटू 50 अपॉन में क्या करा, ये 150 कैसे आया, 100 प्लस 50, ओके, क्यों, क्योंकि इसमें ये इंक्लूडेड है इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, जस्ट मिनट, तो आपने क्या करा यहाँ पर पे 100 प्लस 50 को ऐड कर दिए तो 150 हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे आप अमाउंट कितना आ गया 9,000, तो अमाउंट ऑफ द स्टॉक रिजर्व विल बी 9,000, एक्चुअल कितना अमाउंट आ रहा 9,000 का, क्योंकि उसमें इस तरह से ने कैलकुलेट किया होगा, यहाँ पर पे आपको कैलकुलेट करा ना, डिपार्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्राइस 50% एवब कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट थी उसमें 50% आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ पर भी वर्किंग नोट पे इन्होंने यही दिया हुआ है, वर्किंग नोट इसी के बाद, डिपार्टमेंटल पी ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, 50% कॉस्ट पे अपन ने इंक्लूड कर दिया था,
हेंस इफ कॉस्ट इज रुपीज 100, सपोज कि 100 रुपीज प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सपोज कि उसकी कॉस्ट अगर 100 रुपए ले लेते हैं, मान लेते हैं कि उसकी कॉस्ट 100 रुपए है, प्रॉफिट कितना हो गया इसमें, 50 रुपीज हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें 50% एवब है, जुड़ा हुआ है। तो अगर इसकी कॉस्ट 100 रुपए है, तो 100 का अगर आप 50% काउंट करते हो, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 50 रुपए। ये 50 रुपए आप देखिए यहाँ पर पे नोट कर दिए, एंड ट्रांसफर प्राइस 150 रुपीज, और ट्रांसफर कितने किए जा रहे हैं, अगर ट्रांसफर प्राइस 150 रुपीज, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पी इंक्लूड इन द स्टॉक वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट क्यू इज वन, कितना हो जाएगा, इज 1/3 ऑफ द सेल वैल्यू, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसको 150 पे दिया गया, इसका मतलब कितना हो गया, 1/3 पार्ट हो जाएगा। नाउ क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जेड लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट एंड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमको दिया है ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 2000, यहाँ पर पे आप एक्स लगा दिए, मतलब 2021 कर लीजिए, चेंज कर सकते हो उसको। नंबर वन परचेस यूनिट, डिपार्टमेंट पहले तो देख लें आप, डिपार्टमेंट हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, हम यहाँ पे परचेस यूनिट्स देख रहे हैं 6000 12000 14400, ठीक है। परचेस अमाउंट्स की बात करते हैं, टोटल कितना परचेस कर रहे हैं, 6 लाख रुपीज का इन्होंने परचेस किया है। अच्छा सेल्स यूनिट्स में दे रहे हैं कितने यूनिट, 6120, 11520, 14976। सेलिंग प्राइस आ जाइए पर यूनिट रुपीस में है 40 रुपीस, 45 रुपीस एंड 50 रुपीस। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स आ रहा है, यूनिट है ये, रुपीस नहीं है, 600, 960 एंड 36। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम जेड लिमिटेड है और एबीसी 3 डिपार्टमेंट है। एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल्स यूनिफॉर्म इन ईच केस, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर पे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, हमको क्या बनाना है, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर पे पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका डेबिट अमाउंट है, और ये अमाउंट जो होगा आपके पास, ये वाला कहलाएगा क्रेडिट अमाउंट, ठीक, पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी, ये तीन अपन ने डिपार्टमेंट देख लिए। ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपके पास, अब देखिए 11520, 8640, 12240, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग, ओपनिंग स्टॉक किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर पे यूनिट्स दिए गए हैं 6000 और परचेज दिया गया है, इसके लिए भी अपन कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर पे सेल्स देखिए, सेल में आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है स्टॉक सेलिंग प्राइस 40, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, 6120, 11520 इंटू 45, 14976 इंटू 50, हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया 11000, ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये देखिए, ठीक, और दूसरा हमारे पास पार्ट आ जाएगा, ये देखिए,